Welcome back to my YouTube channel Navigator the Study Point. Once again, I'm back with a new video. और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देयर स्ट्रक्चर, देयर डिफरेंट पार्ट्स, देयर फंक्शंस. सो फाइन. एंड एज वी नो कि जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पर्टिकुलर एक डायग्राम बना है, और जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल अकाउंट अबाउट ओवरी स्ट्रक्चर, फंक्शन, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, विजाइना, सर्विक्स एंड सम ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सो इन अ वेरी ब्रीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो एज वी नो दैट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डायग्राम है हमारी जो बुक में दे रखा है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है. और उस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें देखने को मिलता है ओवरी. तो ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी का जो मेजरमेंट है वो क्या है, ओवरी के फंक्शंस क्या है, फिर आता है नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, फिर आता है यूट्रस. ओके, सो इन दिस मैनर सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज किसके किसके बारे में, ओवरी के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, यूट्रस के बारे में, सर्विक्स के बारे में, वजाइना के बारे में एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम बात करेंगे लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा, और इसके अलावा हम बात करेंगे क्लिटोरिस की. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है डायग्राम किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का. तो मैं कोशिश करता हूं एक अच्छा सा डायग्राम बनाऊं, और प्लीज आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाना है लाइक दिस, बिकॉज इट इज इजी एंड कन्वीनियंट टू यू. विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन यू कैन इजी टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फाइन, लाइक दिस. एक रफ एस्टिमेट लेना है, एक इस तरह का आपको ट्राइंगल बनाना है, इन्वर्टेड ट्राइंगल. फाइन, नेक्स्ट यहां से हमें एक इस तरह से अपराइट फ्लो दिखाना है ऑलमोस्ट यहां तक, एंड फ्रॉम हेयर टू इस फ्लो को हमें दिखाना है डाउनवर्ड यहां तक, और यही हमारा एक मेजर इवेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने में, और बाकी पार्ट्स को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. फाइन, ओके. सो नेक्स्ट लाइक दिस, एंड इट विल बी लाइक दिस. यहां से हमें लाइक दिस ऑलमोस्ट, ओके. अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें ये देखिए इस तरह से फेलोपियन ट्यूब को ड्रॉ करना है. फाइन, दिस इज फेलोपियन ट्यूब. इसी के पैरेलल यहां से थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, ब्रॉड कर देना है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देने हैं. अगर इन केस हमें ये लगता है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा और डाउनवर्ड करके इस तरह से भी बना सकते हैं. फाइन, ओके. सो एक रफ आइडिया लिया है हमने डायग्राम बनाने का. यहां पे हम बनाएंगे ओवरी, और इस ओवरी को हम ओवेरियन लिगामेंट से अटैच कर देंगे. ओके, यहां से
like this. फाइन, तो ऑलमोस्ट ये ड्रॉ हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम्स होता क्या है कि जब एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है तो हम उसको काफ़ी डेकोरेट करते हैं, और डेकोरेट करने में प्लीज़ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब साइंस में हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेबलिंग्स हैं कि उसमें आपने कितने पार्ट्स को लेबल किया है, उनके फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट्स है लेबलिंग। और डायग्राम मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही ड्रॉ करना है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो ड्रॉइंग हो जाएगी, डायग्राम नहीं। ओके फाइन, सो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स को हम लेवल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसे हम कहते हैं ओवरी। फाइन, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर पार्ट को हमने जहां लेबल किया है वहीं पर उसका डिटेल अकाउंट भी मेंशन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक डायग्राम की मदद से सारे स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस दिमाग में रहेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नाउ अब हम देख सकते हैं कि जो ओवरी है और ये क्या है, ये हमारा यूट्रस है, तो अब ये ओवरी यूट्रस से अटैच है, कहां पे, आउटर साइड में। फाइन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। फाइन, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री। और फिम्ब्री टर्म ये आपने पहले भी सुना होगा, फिम्ब्री टर्म कहां सुना होगा, व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जब प्लांट में रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी। ओके, सो नाउ दिस इज फिम्ब्री, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एंड दिस वन इज एम्पुला, एम्पुला, एंड दिस वन इज इस्थमस। ओके, नेक्स्ट, सो हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो तीनों है, फिम्ब्री, ओके, एम्पुला, और ये जो पोर्शन है ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। फाइन, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये सारे के सारे क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। फाइन, नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है हमारा, यूटेराइन कैविटी कह सकते हैं हम इसे, या फिर यूट्रस भी कह सकते हैं। फाइन, अब देखिए हम ये देख सकते हैं कि जो यूट्रस है, यूट्रस में आउटर, मिडल एंड इनर, ये कैसे है, हमें इसमें तीन वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर वाले को हम क्या बोलेंगे, और मिडल वाले को क्या बोलेंगे, और इनर वाले को क्या बोलेंगे। फाइन, तो आउटर मोस्ट है आपका पेरीमिट्रियम, पेरीमिट्रियम, दिस वन इज मिडल, इसे हम क्या बोलेंगे, मायोमिट्रियम, एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोमिट्रियम। फाइन, एंड दिस वन पोर्शन इज सर्विक्स, दिस वन इज वजाइना। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबलिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवरी, अब हम बात करेंगे ओवरी से। तो सबसे पहले देखिए ओवरी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा ओवरव्यू होगा, इट इज अनशेल्ड, अनशेल्ड आलमंड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, अनशेल्ड आलमंड लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, और साइज कितना होगा, 2 to 4 centimeter, 2 to 4 centimeter in
साइज। अगर हम ओवरी की लोकेशन की बात करें तो ओवरी कहां पे लोकेटेड है? इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। लोकेशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। सो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? अनशेल्ड आलमंड लाइक स्ट्रक्चर, 2 to 4 सेंटीमीटर साइज हो जाएगा। एंड अन कहां पे होगी? एब्डोमिनल कैविटी में होगी। फाइन, नेक्स्ट अगर हम ओवरी की बात करते हैं, देखिए हम ओवरी का क्या करेंगे, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करेंगे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ओवरी के पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या टी सेक्शंस की बात करेंगे, किस तरह से इसमें फॉलिकल्स बनते हैं। फाइन, तो अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है ये कैसी है, इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन्स हैं। फाइन, एक होगी हमारी जर्मिनल लेयर वाली, ओके, जिसे हम बोलेंगे एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ओवरी है ये कहाँ पे है? एब्डोमिनल कैविटी में। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है ये? पेयर्ड स्ट्रक्चर। फाइन, और क्या कह सकते हैं इसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस फ्रॉम बर्थ, यानी कि ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है ओवरी, यानी कि डेवलपमेंट फंक्शनल तो प्यूबर्टी स्टेज में आके होगी, लेकिन प्रेजेंट बाई बर्थ होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सपोज दैट दिस इज ओवरी, एंड ये देखिए अगर हम कह दें कि ये ओवरी है, सपोज दैट दिस इज ओवरी, तो इसके दोनों तरफ बाहर की तरफ क्या है? दो लेयर्स हैं। तो बाहर की तरफ कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर की तरफ कौन सी है? विसरल पेरिटोनियम। जर्मिनल एपिथेलियम, नेक्स्ट अंदर की तरफ कौन सी है? यह है हमारी विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम, फाइन, ये ओवरी है, तो ये ओवरी के बाहर क्या है? ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम एंड विसरल पेरिटोनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो हम ये स्पेस यूज कर सकते हैं। फाइन, सो देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो मोर ऊगोनिया इज एडेड आफ्टर बर्थ। फाइन, ये स्टेटमेंट हम इसे एज इट इज ही लिख देते हैं, एंड वी मस्ट कीप रिमेंबर इट, नो मोर ऊगोनिया। ऊगोनिया मतलब मदर सेल, ओके, नो मोर ऊगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। और सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो एक फीमेल के अंदर नियर अबाउट 60,000 से 80,000 ऊगोनियाज होंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मदर सेल्स बोलते हैं। फाइन, क्या बोलते हैं? मदर सेल बोल सकते हैं, या हम एग मदर सेल भी कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इतने सारे ऊगोनिया बनते हैं, यानी कि जब बर्थ से पहले जब बॉडी के अंदर फीमेल की यानी कि यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, फीमेल चाइल्ड का, तो उसकी ओवरी में इतने सारे ऊगोनिया होते हैं, तो वाई दे बिकम डीजनरेटेड। सो इसका एक रीजन ये भी है कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे यूट्रस से जब क्या होगा, वाया वेजाइनल कैनाल, ये जो वेजाइना है इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, वाया बर्थ कैनाल जब वो फीटस बाहर आएगा तो उसकी बॉडी कैसी होगी? पुश्ड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी बहुत सारे ऊगोनिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपन, सो उसके बाद जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया को क्या बोलते हैं? एग मदर सेल, एग मदर सेल। फाइन, तो एग मदर सेल में क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस होगी, और ये क्या बना देगा? प्राइमरी ऊगोनिया, प्राइमरी ऊगोनिया। फाइन,
So egg mother cell undergoes the mitosis and ultimately formed primary oogonia. Fine. This primary oogonia is get surrounded. इसको मैं short में लिखता हूँ PO. This primary oogonia gets surrounded by a membrane. Fine. ये क्या होगा कि एक membrane से क्या हो जाएगी? Surrounded हो जाएगी और एक नया structure बन जाएगा. Fine. Next, वो structure क्या होगा? That structure will be primary follicle. Primary follicle. Fine. So this is, अब ये layer कौन सी है? This layer is granulosa. So हम ये कह सकते हैं कि egg mother cell undergoes mitosis and ultimately gives rise to primary oogonia. Fine. या primary oocyte. Okay. And this is surrounded by a membrane known as granulosa. When granulosa surround this primary structure, तो ये क्या बन जाएगा? Primary follicle. Now the primary follicle gets surrounded by another granulosa. Fine. ये देखिए एक सीधा सा आप हम इसको समझ सकते हैं कंसेप्ट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ गई. मेम्ब्रेन आने से वो एक नया स्ट्रक्चर बन गया. फाइन. जब वो नया स्ट्रक्चर, उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन आ गई, फिर वो एक नया स्ट्रक्चर बन गया, फिर उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन आ गई. फाइन. तो इसी तरह से, इसी सीरीज में हम इसको लिख सकते हैं कि जब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ ये ग्रैनुलोसा की मेम्ब्रेन बनी, पहले तो यहां पे बनी तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ एक और ग्रैनुलोसा की मेम्ब्रेन क्या हो गई? सिंथेसाइज हो गई. नाउ इट बिकम सेकेंडरी फॉलिकल. इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है SF. ये है सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल के भी चारों तरफ एक और लेयर बन गई. ओके. अभी क्या है, ये लेयर पे लेयर बनती जा रही है. प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ बनी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ बनी. तो जब सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ एक और लेयर बन जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा टर्शियरी फॉलिकल. अल्टीमेटली इन द लास्ट, जब टर्शियरी फॉलिकल के भी चारों तरफ एक और ग्रैनुलोसा की मेम्ब्रेन आ जाएगी, नाउ इट बिकम मैच्योर फॉलिकल. ये क्या बन जाएगा? मैच्योर फॉलिकल. फाइन. ओके. चलिए, अगर हम इस मैच्योर फॉलिकल की बात करें, तो इसके चारों तरफ दो परमानेंट लेयर बन जाएंगी. तो बाहर की तरफ होगी जोना पेलोसिडा और अंदर की तरफ होगी ग्रैनुलोसा. ओके. तो हम बात कर रहे थे किसकी? मैच्योर फॉलिकल की. ये देखिए, तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं. सपोज दैट ये हमारा ऊसाइट है, और ये देखिए, ये इसके बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि ये हमारा फॉलिकल कैसा हो चुका है? मैच्योर. फाइन. अंदर की तरफ है हमारा ऊसाइट, और ये जो लेयर है ये कौन सी होगी हमारी? जोना ग्रैनुलोसा. और एक लेयर कौन सी होगी हमारी? जोना पेलोसिडा. फाइन. जोना पेलोसिडा, और ये हो जाएगी हमारी ग्रैनुलोसा. ग्रैनुलोसा. फाइन. सो दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स. एक है हमारी पेलोसिडा, और दूसरी कौन सी है? ग्रैनुलोसा. सॉरी, मैंने इसको अंदर बना दिया है. ये लेयर होगी और ये इस तरह से यहां होगी. फाइन. चलिए, अब अगर हम ग्रैनुलोसा की बात करें, तो ये देखिए, ग्रैनुलोसा जो है, इसमें क्या होंगे? ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे. दिस मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा इज मेड अप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. जिनका काम क्या है? जिनका काम है प्रोवाइड द नरिशमेंट टू ऊसाइट. इसकी जो सेल्स होंगे ग्रैनुलोसा सेल्स, दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू ऊसाइट सेल्स. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम है इनका, दे विल रिलीज फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. फाइन. सो अल्टीमेटली लास्ट इन हम बात कर लेंगे ओवरी के फंक्शंस की. तो अगर हम ओवरी के फंक्शंस की बात करते हैं, सो इसको मैं रब कर देता हूं. अगर हम ओवरी के फंक्शंस की बात करते हैं कि व्हाट द फंक्शंस परफॉर्म बाय ओवरी, तो ओवरी के फंक्शंस में हमें दो मेजर फंक्शंस याद रखने हैं. फंक्शंस, तो फंक्शंस देखिए, पहला है फीमेल गैमीट फॉर्मेशन. फीमेल गैमीट
फॉर्मेशन, फाइन, ओके। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हॉर्मोन की सिंथेसिस और उनको रिलीज करना और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, ओवरी के। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर फेलोपियन ट्यूब, सो कीप रिमेंबर फिम्बरी इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस्थमस, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फाइन। अब आता है कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या है। जैसे कि इसका नाम है ट्यूब, तो ऑब्वियसली इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। सो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है। कितना है, 10 टू 12 सेंटीमीटर, जिसमें एक इंटीरियर एंड पे हम देख सकते हैं कि इनफंडिबुलम और फिम्बरी है, फाइन, और दूसरे इंटीरियर एंड पे क्या है, इस्थमस है, फाइन। अब हम ये देख सीखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी, फिम्बरी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे देखिए जस्ट कैन इमेजिन, तो ये देखिए मैं आपको ये हाथ का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, अगर हम ये इमेजिन करें कि ये पार्ट फेलोपियन ट्यूब का है, तो ये देखिए आगे ये क्या है, ये इनफंडिबुलम है, ये पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम, और ये जो फिंगर्स है ये क्या है, फिम्बरी है, फाइन। ये फिम्बरी हो गई और ये क्या हो गया, इनफंडिबुलम, और ये हो गई फेलोपियन ट्यूब, फाइन, क्योंकि ट्यूब लाइक दिखाई दे रहा है आपको। तो दिस आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका काम क्या है कि ओवरी से जब एग रिलीज होगा, और एग क्या है, फीमेल गैमीट है, क्योंकि हमने फंक्शन भी लिखा है फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, तो एग क्या है, फीमेल गैमीट है, तो जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्बरी, ये क्या करेंगे, उसे रिसीव कर लेंगे, ओके। तो ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इनका काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ओवरी से एग रिलीज होगा, व्हेन एग विल बी रिलीज फ्रॉम ओवरी, सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिसीव द एग, क्या करेंगे, रिसीव एग, रिसीव द एग एंड कन्वे टू द ट्यूब, यानी कि ये क्या करेंगे, एग को रिसीव करके उसको कन्वे कर देंगे आगे की तरफ, किसके पास, ट्यूब के पास, ट्यूब का मतलब फेलोपियन ट्यूब के पास। नेक्स्ट आता है हमारा इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम के बारे में लिखना है, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्क कर देता हूं, यहां पे एम्पुला। अब इनफंडिबुलम क्या है, मैंने आपको बताया कि ये हाथ का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, इट इज लाइक इनफंडिबुलम, और ये क्या है, फिंगर्स फिम्बरी, फाइन। इनफंडिबुलम क्या है, डायलेटेड ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, डायलेटेड, डायलेटेड ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पुला, तो एम्पुला कैसा है, एम्पुला वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एफटी, एफटी का मतलब क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि थोड़ा सा यहां कंजेस्टेड हो रहा है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एफटी का मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा इस्थमस, इस्थमस जो है इन कंपैरिजन टू द एम्पुला कैसा है, नैरो शॉर्ट बट थिक वॉल्ड, ये कैसा है, इस्थमस नैरो
narrow, short, thick walled. Okay? तो isthmus कैसा है? Narrow, short, thick walled structure. Fine. Next आता है हमारा uterus. तो uterus के बारे में जो सबसे पहला statement हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि it is a inverted pear shaped. कैसा है? अंदर ही लिख देता हूं मैं, इनवर्टेड, इनवर्टेड पियर शेप्ड हॉलो मस्कुलर मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं उसे, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो कैसा ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर, और जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसा है, काफी थिक वॉल्ड है जिसमें बाहर की तरफ मायोमीट्रियम और बीच में पेरीमीट्रियम और अंदर की तरफ एंडोमीट्रियम स्ट्रक्चर है. फाइन. तो नाउ सवाल ये आता है कि एंडोमीट्रियम क्या है, पेरीमीट्रियम क्या है और मायोमीट्रियम क्या है. तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इनर मोस्ट, इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटरस. ठीक. और यूटरस की कैसी वॉल है? ये इनर मोस्ट वॉल है. एंड इट शोज द ग्रेट चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, शोज ग्रेट चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फाइन. फिर उसके बाद आता है हमारा पेरीमीट्रियम. तो पेरीमीट्रियम कैसा है? आउटर मोस्ट वॉल है. ये कैसी है? आउटर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस. फाइन. इसके बाद आता है हमारा लास्ट में मायोमीट्रियम, मिडिल वन, मिडिल वॉल ऑफ यूटरस. अब जब पार्चुरिशन का टाइम होगा और पार्चुरिशन के टाइम पे यूटरस की जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी? दे शो कॉन्ट्रैक्शन. फाइन. और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? लेबर पेन प्रोड्यूस होगा. तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरिशन व्हेन लेबर पेन इज प्रोड्यूस्ड, तब ये मायोमीट्रियम की जो वॉल है ये क्या करेगी? ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी. मिडिल वॉल ऑफ यूट्रस शोज कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस. कब? एट द टाइम ऑफ पार्चुरिशन. फाइन. सो ये यूट्रस के बारे में हो गया, कैसा स्ट्रक्चर है और इसकी जो तीनों लेबलिंग है, एंड आई हैव मेंशन टू बी ऑल देम. अब देखिए, अब आता है सर्विक्स एंड नेक्स्ट आता है वजाइना. फाइन. तो सर्विक्स देखिए हम क्या कह सकते हैं. सर्विक्स क्या है? एक तरफ का टर्मिनल एंड है, जिसे हम माउथ ऑफ वजाइना भी कह सकते हैं, जहां से जो स्पर्म है अल्टीमेटली एंटर करता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर. फाइन. और यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि वहां पे सर्विक्स कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है. फीमेल में एक डिसऑर्डर भी हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा वजाइना. तो वजाइना क्या है? अब हम बात कर रहे हैं वजाइना की. इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब. तो वजाइना क्या है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब. और इट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल. क्या है ये? इट इज अ बर्थ कैनाल की तरह बिहेव करती है. यानी कि जब पार्चुरिशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन ही होगा, क्योंकि सिजेरियन में क्या होता है कि डॉक्टर ऑपरेट करके कट लगा के क्या करते हैं, फीटस को या बेबी को बाहर निकालते हैं. लेकिन अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो जो पार्चुरिशन होगा यहां से, तो देखिए ये वाया सर्विक्स से कहां आएगा? वजाइनल ट्यूब में आएगा या वजाइनल पैसेज में आएगा, और यहां से वो फीटस बॉडी के बाहर आ जाएगा. फाइन. तो ये क्या है? इट बिहेव एज बर्थ कैनाल. तो ये बर्थ कैनाल की तरह भी बिहेव करता है या ट्रीट करता है. नेक्स्ट, इस इज अ पैसेज. ये क्या है? इट इज अ पैसेज फॉर
स्पर्म एंट्री, यानी कि एट द टाइम ऑफ कपुलेशन और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल का कपुलेटरी ऑर्गन पेनिस वो क्या करेगा, वजाइनल ट्रैक में इंसर्शन करेगा और यहां पे क्या करेगा, सीमन को डिस्चार्ज करेगा और वो वाया वजाइना कहां चले जाएंगे, सर्विक्स यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि यहां से जब स्पर्म आएगा अल्टीमेटली, मैं आपको डायग्राम की मदद से शो करता हूं, कपुलेशन हुआ, स्पर्म ने एंट्री की और ये देखिए स्पर्म एंट्री करके यहां आ जाएगा अल्टीमेटली फेलोपियन ट्यूब में और यहां से ओवरी से एग फिम्ब्री की मदद से होता हुआ कहां पे आ जाएगा, अल्टीमेटली ये देखिए एम्पुला के रीजन के नियर अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम इसे मान लें कि ये स्पर्म यहां से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है और इधर से ये एग आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। तो हम क्या कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द मेल गैमेट स्पर्म अल्टीमेटली फ्यूज्ड विद फीमेल गैमेट एग। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मैं इसको रब करता हूं, नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, सो अभी हमने सीखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो मैंने डायग्राम बनाया था, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे बुक में, तो जो मॉर्फोलॉजिकली ड्रॉ डायग्राम है उसमें ये आपको लेबलिंग देखने को मिलेगी और इसमें सबसे पहला पार्ट हम लेंगे लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा, तो लेबियम मेजोरा क्या है, आउटर बाहर की तरफ होंगे, आउटर टू फ्लैशी स्किनी फोल्ड्स। फाइन, तो यानी क्या होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो वजाइनल ऑर्फिस है उसके बाहर की तरफ क्या होंगे, दो स्किनी फोल्ड्स होंगे और कैसे होंगे, फ्लैशी आउटर टू फ्लैशी स्किनी फोल्ड्स कंटेन्स, जिनके पास क्या होंगी, बहुत सारी होंगी, कंटेन्स न्यूमरस सबेशियस ग्लैंड। सबेशियस ग्लैंड का मतलब हो गया ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा सबेशियस ग्लैंड। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेबियम मेजोरा है मेल के कपुलेटरी ऑर्गन पेनिस का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, इट इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। कैसा है ये, होमोलोगस टू ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। फाइन, नेक्स्ट आता है लेबियम माइनोरा। नेक्स्ट इज लेबियम माइनोरा। तो लेबियम माइनोरा क्या है, नेक्स्ट टू लेबियम मेजोरा, यानी कि लेबियम मेजोरा के बाद अंदर की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट टू लेबियम मेजोरा, तो यानी कि लेबियम मेजोरा के बाद अंदर की तरफ, नेक्स्ट टू लेबियम मेजोरा, इसमें भी क्या होगा, फ्लैशी स्किनी फोल्ड्स, क्या होंगे, फ्लैशी स्किनी फोल्ड्स होंगे और उनके पास भी क्या होंगी, सबेशियस ग्लैंड्स होंगी यानी कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगी। इसके बाद आता है क्लाइटोरिस। ओके, तो ये कैसी है, स्मॉल आउटग्रोथ। कैसी है, एक छोटी सी आउटग्रोथ है, स्मॉल आउट ग्रोथ है। फाइन, और ये कैसा है, हाईली सेंसिटिव, हाईली
सेंसिटिव. फाइन, एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ है ऊपर की तरफ, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ये कैसा है, हाईली सेंसिटिव है. और इसे क्या कहते हैं, इसे हम फीमेल पेनिस भी कह सकते हैं, फीमेल पेनिस. फाइन, इट कैन बी कॉल्ड ऑल्सो एज फीमेल पेनिस बिकॉज ऑफ द हाईली सेंसेशन, या कह सकते हैं इट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल, बिल्कुल होमोलोगस स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट आती है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, बार्थोलिन ग्लैंड्स. बार्थोलिन ग्लैंड्स. फाइन, अब बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड्स वजाइनल ऑर्फेस के बाहर की तरफ होंगी, और इनका काम क्या है, ल्यूब्रिकेशन का है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइना. वजाइना को ये ल्यूब्रिकेट करते हैं एट द टाइम ऑफ कपुलेशन, तो ल्यूब्रिकेशन करते हैं. और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, दीज आर होमोलोगस टू द कॉपर ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फाइन, कैसी हैं, होमोलोगस, होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड इन मेल, यानी कि मेल में जो कॉपर ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या है, बिल्कुल उसकी कैसी है, होमोलोगस है. फाइन, और एक पार्ट बचता है हमारा मॉन्स पिबिस. तो मॉन्स पिबिस कैसा है कि ये इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है, जो कैसा होता है, थोड़ा सा पफी होता है एंड अ कुशन लाइक पोर्शन होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटीज हेयर्स आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं. सो फाइन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई ट्राई टू रिप्रेजेंट माई लेवल बेस्ट. और जो भी इंफॉर्मेटिव था मैंने आप काफ़ी कुछ इसमें आपको बताया है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से, प्लीज नॉट टू फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल्स. आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेता आऊँगा. थैंक यू.